हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीजनल गैलीवेंटर। और आज हिमालयन को एक महीने पूरे हो चुके हैं, मतलब कुछ दिन ज़्यादा ही निकल गए हैं। लास्ट टाइम बाइक का सर्विसिंग कराने के लिए गया था, तो सर्विसिंग के दौरान भी बाइक में कुछ पार्ट्स मैंने अभी लगवाए हैं सेफ्टी पर्पज़ को देखते हुए। बाइक परचेस करने के टाइम पर वो सारी चीज़ें मुझे मिल नहीं पाई थी, तो उसे मैं अब करा लिया हूँ। और कुछ चीज़ें अभी भी रह गई हैं क्योंकि शोरूम पर वो चीज़ अवेलेबल थी नहीं, तो उसको बोला है कुछ दिन में आने के टाइम वो सारी चीज़ हो जाएगा। तो आज संडे है और आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से अभी इसको कुछ जगह जो है मुझे टाइट और ये सारी चीज़ें फ़िक्स करनी है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम जैसे बाइक आप कंटिन्यूस चला रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो कोई ना कोई पार्ट्स वजह ढीले हो ही जाते हैं। तो जो मुझे समझ में आता है वो सारी चीज़ों का भी मैं यहाँ पर पूरा उसको टाइट करूँगा, वो सारी चीज़ें। और सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या नए नए पार्ट्स अपनी बाइक पे अभी वहाँ पे जाने के टाइम शोरूम पे सर्विसिंग के दौरान मैंने करा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेग गार्ड आप देख सकते हो, ये लेग गार्ड मैंने लगवाया था। ये लेग गार्ड था नहीं काफ़ी दिन से, मैं ऑनलाइन भी कई जगह चेक कर रहा था कि मुझे सब चीज़ अच्छी मिल जाए या फिर पूरा जो इंजन को कवर करता हो वो सारा चीज़ मुझे इस प्रकार से मिल जाए, तो वैसा कुछ मिल नहीं पाया था। दूसरी चीज़ वो सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट थी, उसकी कोई वारंटी कुछ थी नहीं। इस वजह से फिर मैंने सोचा जेन्युइन प्रोजेक्ट ही लेता हूँ। जेन्युइन प्रोडक्ट लेने का फ़ायदा भी अच्छा है कि आपको इसके साथ वारंटी गारंटी जो भी सब कवर करके मिलता है। अगर आप ऑफ मार्केट लेते हो, आफ्टर मार्केट लेते हो, सारी चीज़ आपको मिल नहीं पाती हैं। और उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी है, क्या कैसा कंडीशन है, कितना उसका माइंडलेस है, कितना उसका मतलब टफनेस है, वो सारी चीज़ें आपको पता नहीं चल पाएंगी। तो मैंने जेन्युइन प्रोडक्ट ही इसका लगवाया है, लेग गार्ड लेग को प्रोटेक्ट करता है, दैट्स ऑल। वो सारी चीज़ें हैं, बाइक अगर सपोज कभी क्रैश हो रही है तो सारी चीज़ें के लिए हमें थोड़ी सी ये बचाता है। अदरवाइज स्लाइडर्स के साथ भी क्रैश गार्ड वगैरह आते हैं अदर बाइक्स के लिए। ऑलरेडी मैं हिमालयन के लिए काफ़ी सर्च किया, एक जगह मुझे मिला था क्रैश गार्ड, पूरा इंजन को फ्रेम कर रहा है, पूरा गार्ड कर रहा है, लेग भी सपोर्ट कर रहा है अपना, मतलब लेग भी सेफ कर रहा है, वो सारी चीज़ें। बट वो चीज़ मुझे जमी नहीं, और वो चीज़ एक्चुअल में क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। मतलब जितने का मैं सामान नहीं ले रहा उतने को तो मुझे उसका मतलब क्या कहना चाहिए, उसका मुझे कुरियर चार्ज देना पड़ रहा था, तो ठीक है। और दूसरी चीज़ वो आफ्टर मार्केट था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया कि इसको लेना ही नहीं है। जो जेन्युइन प्रोडक्ट है वो लगाएंगे, बेस्ट है। और अपने को कॉन्फिडेंस है अपने को कैसा गाड़ी चला रहा है, और अपने से गिरेगी नहीं गिरेगी वो मैटर करता है। तो ये लेग गार्ड के अलावा, और ये एक आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉकर पे, ये चीज़ मैंने यहाँ पे ये रेडियम लगवाया था क्योंकि जगह बहुत अच्छी थी, खाली भी था, और नाइट के टाइम पे ये अच्छा रिफ्लेक्ट भी करता है ये रेडियम। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी है जो आप मतलब लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी एक चीज़ और है, ये हील गार्ड, ये हील गार्ड भी मैंने लगवाया है। ये हील गार्ड लगवाने का अच्छा था क्योंकि लगाने से देखो सेफ्टी तो है हील गार्ड के भी, सपोज़ कभी आप जंप किए, ब्रेकर वगैरह भी कभी कुछ जंप कर दिए और उनके से ये टूट गया, कुछ हो गया, या फिर कुछ पत्थर ही आके इस पर टकरा गया, काफ़ी बोल्डर आप बाइक लेके अगर राइट साइड टर्न हो के गिर गए, कुछ भी हुआ आपके सपोज़, तो ये सारी चीज़ सेफ़ रहेंगी। ये चीज़ हो गया, लेग गार्ड हो गया, ठीक है। वो रेडियम जो मैंने बताया आपको वो एक जगह पर प्यारा लग रहा है, वो भी येलो कलर का रिफ्लेक्टर वो। और उसके बाद मुझे ये नहीं मिला, इसका भी मैं गार्ड सोच रहा हूँ, इसके लिए भी मेरे को ऑयल कंटेनर जो है इसका भी एक गार्ड मुझे अगर मिल जाता तो मेरे लिए बेस्ट रहता। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, ये चीज़ें जैसे ही शोरूम पे अवेलेबल हो जाएगी सर्विस के सेंटर पे, जैसा ही बता रहा, तो वो चीज़ मैं इसको लेकर तुरंत फुलफ़िल कराऊँगा, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ को देखते हुए अच्छी चीज़ें हैं। नहीं तो अगर अभी आप नहीं करेंगे तो बाद में आपको उस चीज़ के लिए पछताना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, ये रेडिएटर ग्रिल के लिए ऑलरेडी इस पर मतलब गार्ड तो है ये, लेकिन देखता हूँ अगर सपोज मुझे इससे कुछ अच्छा और मिल गया तो इसको भी मैं सोच रहा हूँ रिप्लेस करने का। ज़रूरी तो फ़िलहाल लग नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये इतना प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है, बट सपोज़ एक बार देखना चाहूँगा चीज़ें क्या कैसी हैं, इसको अगर मिलती हैं तो ठीक है। रेनी सीज़न है, बरसात आए दिन बहुत गंदी हो जाती है। चेन की आप कंडीशन देख सकते हो, आप देख लो चेन की कंडीशन है, शायद इसको आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट मुझे दिख रहा है। इसमें जो रस्टिंग आ रहा है हल्का हल्का, मतलब उस पर मार्क बन रहा है पानी का। तो ऑलरेडी लास्ट टाइम इसको सर्विसिंग में साफ़ कराया था, और अभी मैं इसको खुद साफ़ करने के लिए ब्रश वगैरह सारा किट लेके नीचे आया हूँ, और इसको मैं साफ़ करूँगा इस वीडियो के जस्ट बाद, क्योंकि आज संडे है और आज संडे होने की वजह से टाइम भी है मेरे पास, तो सारी चीज़ें फुलफिल करूँगा।
और एक चीज़ और मुझे आप लोगों से जानना है, अगर आपको इसके बारे में पता हो और आपके पास अगर हिमालयन हो तो आप प्लीज़ मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंजन का ये जो हिस्सा आप देख सकते हैं, इस हिस्से में आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक यहाँ पे मतलब ऐसा छेद सा है, बट ये छेद किस चीज़ का है मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक ये है और एक ही ऊपर है, मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे कोई नट या मतलब कुछ तो था यहाँ पे, कोई बोल्ट यहाँ पे ऐसा कुछ लगा हुआ होगा, और हो सकता है वो सर्विसिंग के दौरान निकल गया हो या फिर कुछ हो, क्योंकि सर्विसिंग के दौरान निकलना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे ज़्यादा आइडिया इसका नहीं रहा। तो मैं चाहूँगा ये चीज़ आप मुझे बताइए, ये आपके बाइक के राइट हैंड साइड पे आप नीचे देखेंगे जहाँ पे आपका फ्यूल कंटेनर रहता है, ऑयल कंटेनर, ये ऑयल कंटेनर के जस्ट सामने आप इधर पे देखेंगे तो आपको ये ऐसा होल मिलेगा। तो ये होल किस चीज़ का है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके बाद हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये नंबर प्लेट और या फ्रेम देख सकते हो जिसको मैंने खुद ही डिज़ाइन कराया है। तो ये चीज़ भी अगर आप मार्केट में पता कर रहे हो तो सपोज़ आपको 730-700 रुपीज़ समथिंग का कुछ टोटल कॉस्ट आ रहा है इसका, और अगर आप करा सकते हैं लोकल परचेज ऑनलाइन अगर नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने ये मॉडिफिकेशन कराया था जिसमें आप ये देख सकते हो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ये फ्रेम लगा हुआ रहता है और ये फिर मैंने मॉडिफाई करके मेरा नंबर इस पे कराया है, तो इसका मुझे टोटल कॉस्ट पड़ा है जो 180 रुपीज़ का सिर्फ मुझे फ्रेम पड़ा है, ब्लैक फ्रेम 180 रुपीज़ का ब्लैक फ्रेम, और उसके बाद मैंने 70-80 रुपये सिर्फ इसका मैंने वो दिया है, क्या कहना चाहिए, जो प्रिंटिंग होती है नंबर्स की, सिर्फ उतनी चीज़ ही मैंने दी है। तो मेरे लिए काफ़ी किफ़ायती था ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें कम मिलती है जब आप मार्केट में उतर के सारी चीज़ों को आप देखते हो, सारी चीज़ों को आप करते हो, तब जाके चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। ओके देन, ठीक है, संडे था, संडे अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने काम पे लग जाता हूँ, ऑलरेडी इक्विपमेंट्स निकाल के रख दिया हूँ, सारी चीज़ें अब जाके धीरे धीरे सारी चीज़ टाइट करना है। अक्सर आपको ये चीज़ बता दूँ, कभी भी आप व्हीकल चला रहे हो तो ये वाइजर्स हमेशा लूज़ हो जाते हैं, तो इसका आप हमेशा ध्यान देना, इसे टाइट कर देना। और इसके अलावा भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ लास्ट टाइम भी, और आपसे वो चीज़ शेयर करता हूँ मैं, कि लास्ट टाइम मैं ये इस जगह को, मैं यहाँ पे जो आपको देख सकते हो बोल्स, ये बोल्स को मैं टाइट कर रहा था एलेंकी से, और टाइट करते करते एलेंकी का आप देख सकते हो इसका जो ये शेप है डाया, जो इसका अपन कह सकते हैं इंटरनल डाया जो भी है, तो ये चीज़ अगर आप एलेंकी से टाइट कर रहे हो तो आप इस तरीके से मत टाइट करो इसे कि ये एकदम आप सोचो कि एकदम टॉर्क आ जाए और एकदम टक करके ये लॉक हो। ये क्या है, बोल्ट है, ये आपका कोई ऐसा नट नहीं है जिस पे आप एकदम पावरफुली फोर्स दे के करोगे। मेरी सेम वही गलती हुई थी, एलेंकी लगाया और अच्छा उसको कस रहा था, अच्छा कस रहा था, लास्ट में क्या हुआ, ये इस हिस्से का बोल्ट जो है वो फ्री हो गया और बोल्ट उसके अंदर फंस गया, तो फिर मैंने उसे प्लायर से कैसे तैसे करके निकाला और वो बेल्ट मेरा एकदम बेकार ही हो गया है। तो उसके लिए मैंने नया बोल्ट का बोला हुआ है, और बोल्ट भी मुझे क्या है सर्विस सेंटर या शोरूम से ही मिलेगा, आप ऐसा नॉर्मल मार्केट में पा नहीं पाओगे क्योंकि जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो उसके बिहाफ में अभी मैंने इसको टेम्परेरी लगाया हुआ है, और ये जैसे ही वो मेरा नया बोल्ट आ जाता है तो उसके बाद फिर मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो कोई भी चीज़ अगर गाड़ी के आप पार्ट्स पुर्जे टाइट कर रहे हैं तो बहुत सेफली जितना वो एडजस्ट कर रहा है उसको मालूम है, अपने को भी मालूम है कि कितना मैं ले सकता हूँ, कितना वो कर सकता है, तो उस हिसाब से किसे ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आपके साथ भी यही हाल होगा। तो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ और कस्टमाइजेशंस हैं वो अगले ब्लॉग में आएगा, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग जो आने वाला है वो काफ़ी अच्छा रहेगा हिमालयन बाइक के रिगार्डिंग, और क्या नया मैंने कस्टमाइज़ कराया वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। चला।